गलत बिछाया है आपने ऐसे करके। गाइस अभी भी डाउट में है वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा व्लॉग्स PB03। मैं आपका दोस्त विशम शर्मा, होप आप सब ठीक होगे, मजे में होगे और तंदुरुस्त होगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हमने चाय वगैरह पी ली है, ये देखो आप चाय वगैरह पी ली है हमने। सो अब उठते हैं, नहाते हैं, रेडी होते हैं। वैसे मौसम अच्छा है, मेरी थोड़ी सी सलाह बन रही है। मैं सुबह तो गया नहीं कि अभी थोड़ा साइकिलिंग के लिए निकल जाऊँ। यार साइकिल निकाला था, आपको दिखाया था मैंने। सो दिल तो कर रहा है, बाकी देखते हैं बाहर जाकर क्या मौसम है, क्या वेदर है। सो गाइस मोम का कॉल आ चुका है फाइनली। मोम बोल रही है कि मेरे को आके ले जा भाई तू। सो मैं लेने जा रहा हूँ मोम को। उधर भैया के घर से चाबी ले ली मैंने। बाय। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मोम रेडी होते हुए चले 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 हम चले। ये तुलसा महारानी ओदे करके होगी, मी करके डंडा रह गया छोटा। पानी पाया है अज? फिर थोड़ा ही पाया पानी च, थोड़ा पाया सेट हो जाना उदों तक। आंसर बूटे नूं पै गए। क्या है जी? ये क्या है? ये लड्डू गोपाल जी ला नवा बिस्तरा। नवा बिस्तरा? गलत बिछाया है आपने ऐसे करके। इसको ऐसे करके बिछाओ, ऐसे बिछा दो। तो ये लड्डू का सराना, ये लड्डू की चादर। आज लड्डू जी नया बिस्तरा बिस्तर पर सोएंगे, नए बिस्तर पे। ठीक है लड्डू जी। गाइस आज बन रहे हैं घर में आलू वाले परौंठे। कहाँ है, कहाँ है? अरे तो काम में दे कुड़ी दे दे। मैंने कह दी मुझको बोल रही है कि आटा लाओ, आटा ना फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो, वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर परोठे अच्छे बनेंगे। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि आटा कहाँ है, तो क्या है कहाँ है आटा? कहती वो तो गूंदने वाला है, मैं बताओ कर लो। पागल हो रखी है, हिल चुकी है ये हिल। क्या यार की क्या बावर्ची बनेगा तू? गाइस अभी भी डाउट में है वो जो आटा है वो मीठे वाला है। मीठी पूरी बनाई थी ना हमने जब जाना था साला सरधाम, तो देख रही है वो मीठा आटा है या कौन सा आटा है। क्या यार कियर, ये देखो क्या कर रही है ये। ये वाला मीठा आटा है, मीठी रोटी का ये मीठे परौंठे वाला। हाँ मीठे परौंठे वाला आटा है। हाँ दूसरा आटा है, हाँ प्लेन है ये। प्लेन आटा घट नहीं जाऊगा, भून ला थोड़ा। दो तो की खाना होंगे। कोई गल नहीं भाई साहब, तुम 50 रुपए एक्स्ट्रा ला लो, पर दो परौंठे होर दे दियो। 50 रुपए का एक परौंठा मिलेगा बोलो। हाँ पड़ेगा 50 रुपए का एक परौंठा, 50 रुपए का एक परौंठा बनेगा। फिर इस हिसाब से 200 के तो 5 हो गए ना। ले ले ले, 200 रुपया दे देना। ठीक है, लगती है ना बना लेंगे।
ये भी सोचो आप। अबे मेहनत लगता है, वो अलग से लगता है, देखो मेहनत कितनी लगती है। फिर आपकी तो मेहनत ही है ना, मटेरियल तो मैंने ला के दिया है। आलू उबाले मैंने, उबाले पहले आलू उठा के ले गई, फिर धोए आलू, फिर आलू उबाले, फिर आलू को छीला, फिर प्याज को छीला, प्याज को गर्द मर्द किया, ठीक है, फिर कढ़ाई रखी तेल डालो, प्याज मसाले, ओह माय गॉड, अजवाइन डाली। इतनी मेहनत आप कर लेते हो? मेहनत लगती है देखो, इतनी गर्मी में खड़के में आपके लिए आलू के। तो वो पंखा चलाना ना, पीछे पंखा लगा हुआ है, पंखा चलेगा तो ये बुझ जाएगा। ऐसे कैसे बुझ जाएगा, पंखे का मुंह देखो किधर है, और गैस का मुंह देखो किधर है। भाई से जल्दी काम नहीं होता, चल बनाओ बनाओ, भूख लग रही है। पांच परौंठों के 200 ले लेना तो कोई बात नहीं, 150 रुपया देगा। क्या थी मैं? सो जी हुण आपां खावांगे आलू वाले परौंठे। सो गाइस टाइम हो चुका है शाम के 5:30, ये देखिए आपको दिखाते हैं। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि आज मंगलवार है, मंगलवार को हम जाते हैं मंदिर, अभी हम जा रहे हैं मंदिर, सभी रेडी हो चुके हैं। रास्ते में मासी जी को लेना है, मासी जी को लेके आज मैं भी जाऊंगी, सो मासी जी को पिक करेंगे रास्ते में से। वो देखो वो रेडी हो चुके हैं, मॉम भी रेडी है, राखी भी रेडी है, ये दोनों रेडी हो चुके हैं। चले चलो, जय बालाजी की, जय बालाजी महाराज की जय। हां जय बालाजी, बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। सिखाते हैं मेरे को जी। देखो हमारे मासी जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जय श्री राम मासी जी, जय श्री राम दीदी, वो ठीक हो? हाँ ठीक है। चलो इन्हें बच्चे जी देखो पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पार्थ, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। चले मासी जी। हाँ चलो भाई, आप ले। तो गाइस मासी जी भी हमारे साथ मंदिर जाएंगे और पार्थ भी जाएगा हमारे साथ। स्टाइल ही बढ़िया हो रही है। आ जाओ चलिए, बाय बाय कर दो मम्मा ने। चलो पार्थ आ जाओ। चलो जी बहुत खुश हो रहा है पार्थ। प्रसाद फड़ियो। अमरनाथ गए सी ना भैया, तो लिखे सी और नहीं पहले बात। कि जा रहे हैं सुबह से हम पहुंच चुके हैं मंदिर। आ लो सी हटाया जी, Oh,
गाइस आज तो टाइम सिर आ गए, आरती होने लग गई है। भाई साहब ने माथा टेक लिया है प्रसाद के रूप में, आज खीर मिली है हमें, देखो खीर खा रहे हैं सभी। गाइस हम घर आ चुके हैं, हम जाए थे मंदिर, आपको भी दिखा दिया। गाइस एक ना शूट करना आपको मैं दिखाना भूल गया, वहां पे जैसे मैंने गाड़ी पार्क की थी ना अपनी, मतलब लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि गाड़ी पार्क है, उसके बिल्कुल सामने अपनी बाइकें ऐसे लगा दी उन्होंने, मुझे सारी बाइकें अकेली अकेली बाइक उठाकर साइड पे करनी पड़ी। मतलब लोगों को बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि गाड़ी वाला गाड़ी निकालेगा कैसे। तो वहां पे मेरा थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, दो के साथ तो मैं लड़ भी पड़ा था वहां पे, मैं बाइक के साइड पे कर रहा हूँ, वो आके और खड़ी कर रहे थे। सो वो कैप्चर करना मैंने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि राखी और मोम अंदर थे मंदिर के, मैं बाहर आ गया था प्रसाद खाने के बाद। सो उसके बाद फिर वहाँ नहीं था कोई फोन पकड़ने वाला, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया गाइस। हम घर आ चुके थे, अब करेंगे डिनर, डिनर के बाद होगी एडिटिंग। सो मिलते हैं गाइस अपने नए ब्लॉग में, होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।